तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक फॉर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लास्टिक का आधार कार्ड आप अपने घर पे कैसे मंगा सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से घर बैठे। तो ये कैसे मंगा सकते हैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट वो ओपन कर लेना है। ये देख लीजिए, UIDAI ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद ये देख लीजिए इस तरह से आ जाएगा, गूगल पे सर्च करना है, इसके बाद इस तरह से आ जाएगा, फिर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये देख लीजिए, सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये देख लीजिए ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यहाँ पे ये देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे वाले पे नहीं क्लिक करना है, वो चेक करने के लिए दिया गया है नीचे वाला, तो आपको वो ऑर्डर आधार PVC पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए इस तरह से आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो टाइप कर देना है। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड ये नंबर टाइप कर दिया है, और आपको यहाँ पर ये देख लीजिए नीचे कैप्चा दिख रहा है, उसको आपको टाइप करना है, ध्यान से टाइप करना है, सेम टू सेम। कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में, और स्मॉल है तो स्मॉल में टाइप कर देना है आपको। ये देख लीजिए, मैं सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मतलब नहीं क्लिक करना है। अगर नहीं रजिस्टर है आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपना, ताकि OTP उस पर आए। तो मेरा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर है तो मैं इस पर नहीं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए सेंड OTP यहाँ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। ये देख लीजिए OTP आ चुका है मेरे फ़ोन नंबर, OTP आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए OTP यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। OTP यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और ये देख लीजिए मेरा आधार कार्ड आ चुका है यहाँ पे। उस तरह से आपका ये फोटो वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और आपका आधार कार्ड इस तरह से बन के आएगा, ये देख लीजिए प्लास्टिक में, तो वो दिखा रहा है सैंपल। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 50 रुपये इसको देने पड़ेंगे। ये जो आता है आपके घर पे आएगा ना कुरियर के जरिए या डाक के जरिए, उसका चार्ज आपको देना पड़ता है यहाँ पर। तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको UPI पेटीएम या आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको बता दूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, ये देख लीजिए। अगर आपके आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके ज़रिए आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा नेट बैंकिंग है, तीसरा UPI है। तो UPI में आपको ये देख लीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजन पे, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर देख लीजिए कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब डाल के आप यहाँ से इनको 50 रुपये दे सकते हैं। 50 रुपये देने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास ये जो है प्लास्टिक का आधार कार्ड ये आ जाएगा आपके घर पे वो डाक के ज़रिए। तो मुझे अभी प्लास्टिक का नहीं बनवाना है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो आप जाके सेम फॉलो कर लीजिए, इतना भरने के बाद आपको बस पेमेंट करना है, उसके बाद आ जाएगा 1 महीने के अंदर। तो यही बताने वाला था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।